राम राम जी। ये गाड़ी में स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा लेट थी और ऑयल कंजप्शन कर रही थी, ऑयल बहुत ज़्यादा खा रही थी। ये गाड़ी VW की पोलो है, डीजल वर्जन है, और स्टार्टिंग को लेके थोड़ा सा वो था कि इंजेक्टर है नहीं है। इंजेक्टर मेरे को डाउट जा नहीं रहा था इंजेक्टरों पे, फिर मैंने हेड पे मेरे को डाउट जा रहा था कि यार हेड ही है इसके, और बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग लेट थी। ऑयल कंजप्शन था तो वो तो रिंगों का था, लेकिन जो स्टार्टिंग लेट थी वो रिंग से स्टार्टिंग लेट नहीं होता है, वो हेड से होता है। मेरा डाउट भी हेड का ही था, तभी हम फाइनली हेड उतार दिए हैं और एरा ब्लॉक। अब चेक करेंगे कि आखिर वो पंगा कहाँ से था और क्या एक्चुअल में ऐसे पंगे आ जाते हैं गाड़ियों में, तो सारी चीज़ को चेक करने वाले हैं, पास में आओ। अभी हेड है, देख सकते हैं ये, और हेड के सारे वाल बंद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, और यहाँ जब भी हम रोकर को अलग कर देते हैं तो सारे वाल जितना मैनुअल बंद होना चाहिए उतना प्रॉपर बंद हो जाता है। यानी सारे रोकर हटा दिए तो स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग की वजह से सारे वाल बंद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन वाल बेंड है कि नहीं है, वाल ख़राब है कि नहीं है, उसको टेस्ट के लिए हम इसमें इंटेक की लाइनों में पानी या कूलेंट जो भी है वो डालेंगे और देखेंगे वाल लीक हो रहा है कि नहीं। अभी मैंने देख सकते हैं कूलेंट मंगाया है जो पुराना है, ठीक है। अभी मैं इसमें डाल के देखूंगा कि कौन कौन सा वाल लीक है, और इससे वाल बेंड होते हैं वो पता पड़ जाती है। पास में आओ जरा, इधर से दिखाओ, इधर से दिखाओ, इधर से दिखाओ, पास में करके, दूर से नहीं, पास में करो। लीक कर रहा है जी उस्ताद, पास में दिखाओ। और ये देखो, ये कमी है भाई, देख रहे हो ना कैसे ये वाल डेड है, ये वाले वाल। और दूसरे में मैं चेक करता हूँ, इसमें लीक किया क्या? नहीं किया इसमें लीक, इसमें लीक किया गया? नहीं किया इसमें, 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 है? इसमें किया, इसमें किया नहीं है। ये वाल क्लियर करते जाना, ना क्लियर हो फ्लैश जला लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरा क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो हेड में कितनी तगड़ी कमी होती है। ये वाल कोई टाइमिंग बेल्ट नहीं टूटा है इसका, बिल्कुल एक्यूरेट है, ना कोई वाल बेंड है, वो क्या बोलते हैं, कोई रोकर नहीं टूटा है, लेकिन ऑटोमेटिकली सीट कटने की वजह से ये लीकेज आ जाती है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग बहुत लॉन्ग हो जाती है, देख सकते हैं ना ये। तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। फिर दोबारा से एक बार और इस पर चेक करता हूँ मैं, और पास में करो, क्लियरिटी होनी चाहिए, दूर करो, नीचे टपकता हुआ दिखना चाहिए। हाँ ये है क्लियरिटी, ऐसे। तो ये देख सकते हैं इस हेड के एक और दो, यानी दो वाल खराब हैं, और चार वाल होते हैं ना एक सिलेंडर का, तो एक भी वाल लीकेज हुआ तो आपका कंप्रेसर रुकेगा नहीं, यानी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, आपकी गाड़ी बहुत लॉन्ग सेल्फ लेना पड़ेगा। और एक ये है, ये भी डेड है, तो यानी दो सिलेंडर आपका, एक नंबर और दो नंबर, दोनों ही डेड हैं, जिसकी वजह से स्टार्टिंग का प्रॉब्लम था। तो ये एक्सपीरियंस से मैंने डाउट किया, हालांकि इधर दिखाओ, ये प्रॉब्लम है, और इसको एक्सपीरियंस से जज किया जाता है कि इंजेक्टर में है कि ये वाल में, हेड के वाल में। हम लोग पास प्रॉपर टूल नहीं है कंप्रेसर टेस्टिंग का, बाकी कंप्रेसर टेस्ट से पता पड़ जाता है कि सिलेंडर वीक है कि नहीं है, या फिर इंजेक्टर में फॉल्ट है। तो कुछ देसी जुगाड़ भी बताए थे मैंने कि कैसे इमिशन को चेक करें, अच्छा है कि बुरा है। तो ये रहा हेड में प्रॉपरली प्रॉब्लम निकली है। अभी इसका हम इंजन ओवरऑल करेंगे, तो उससे पहले हमने हेड के सारे वाल डालने पड़ेंगे, हेड का वाल बेंड है तो, और दोनों सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। जब हम लंबा सेल्फ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट हो पाती है बहुत लंबा जाके, और थोड़े कम समय में सेल्फ नहीं लेती है। तो ये कुछ कारण थे, इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा कंजप्शन था। और पास में ले जाओ, ये पिस्टन का रिंग जो है ना कट गया है, स्लीव देख सकते हैं कितना ज़्यादा कटा हुआ है, ये स्लीव बहुत ज़्यादा कट गया है। लेट सर्विस होती है ना तभी ये प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा स्लीव पे कट जाती है। थोड़ा इधर दिखाओ, एक नंबर पे क्लियर करो, अब समझ सकते हैं कितना ज़्यादा कटा हुआ है स्लीव, और सोचो ऑयल कंजप्शन कितना बुरा होगा। इसमें भी बहुत ज्यादा है,
यानी तीनों ही बहुत ज्यादा कटे हुए हैं स्लीप, जिसकी वजह से ऑयल कंजप्शन कर रही थी। स्टार्टिंग लेट इससे नहीं होता है, खाली ऑयल खाती है इससे। स्टार्टिंग लेट तो हेड से ही होता है। और अभी कूलेंट जो बिखरा है ना, उसे हम बहुत अच्छे से क्लीन कराएंगे, देख सकते हैं आप। तो ये जगह भी अच्छे से क्लीन करा देंगे, ऐसी नहीं है। काम करते हैं जहाँ डीजल गाड़ी का काम होता है, वहाँ डेफिनेटली होता ही होता है काला है, लेकिन उसको हम लोग बाद में क्लीन कर देते हैं, क्योंकि हमें वहीं काम करना होता है। तो ऐसा नहीं कोई भी चीज़ बिखरेगा तो उसको साफ़ नहीं करेंगे, वो साफ़ भी करते हैं। अब इंजन ओवरऑल करेंगे इसका, बाकी इंजन का एक बार कंडीशन दिखा लो, और इंजन ओवरऑल का भी वीडियो इसका जाने वाला है ए टू जेड। तो ये सेकेंड पार्ट में जाएगा इंजन ओवरऑल का वीडियो। और ठीक है, ओके, थैंक यू यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए।